देखिए दोस्तों, रोज़मर्रा के काम तो हम सभी को करने होते हैं, चाहे फिर वो वर्किंग वूमेन हो या फिर होममेकर हो। घर, बच्चे, परिवार, हम सभी को संभालने होते हैं। और इन्हीं को संभालने के साथ साथ अगर कुछ टिप्स और हैक्स हमें पता होते हैं ना, तो हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। जल्दी काम करने के फ़ायदे भी काफ़ी होते हैं। हम सभी के पास सिर्फ दो ही हाथ है, चार तो है नहीं कि कोई देर में करता है, कोई जल्दी करता है। सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक। अब माय नेम इज़ वर्षा एंड मैं यहाँ शेयर करती हूँ ढेर सारी ऐसी वीडियो जो आपके घर से रिलेटेड होते हैं, DIY ऑर्गेनाइजेशन वीडियो काफ़ी सारी। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बन जाइए मेरी छोटी सी फैमिली का आप भी पार्ट, और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा, वहां पर मैं अपडेट्स देती रहती हूँ, लाइव अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। I got you and your vibes in my mind, I can get them out, no matter how. हर एक काम को करने का एक सही तरीका हमें पता होना चाहिए, तभी हम बहुत सारा अपने लिए टाइम बचा सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। चीज़ें अगर एक जगह पर और ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगी तब भी हमारा काम ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर चीज़ें एक ही जगह पर रहेंगी तो हम काफ़ी सारा टाइम बचाकर अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। कुछ कुछ हैक्स फॉलो करके अभी हम काफ़ी सारा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मुझे वेशन निकालना था और साथ में मथानी थी, तो सोचा क्यों ना इसी से निकाल लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा और दो दो तीन तीन चम्मचें भी गंदी नहीं होंगी। तो डायरेक्ट उसी से निकाल लिया, फैला भी नहीं और मेरा काम हो गया आसान। बेशन को अच्छे से मिला लिया और रख दिया साइड में। जब तक वो शोक हो रहा है, मैं एक साथ काफ़ी सारे काम करती हूँ, वो तो आपको काफ़ी वीडियो में पता ही है। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ ये थोड़ा सा अंदर से ना गंदा हो गया है, अब इसको कैसे साफ़ किया जाए, उसके लिए मैंने लिया है पानी और लिए हैं कुछ लेमन के टुकड़े। लेमन से बहुत अच्छे से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। नीचे एक्चुअली वो पानी का खार होता है ना, वो जमा हो गया था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा विनेगर भी ले लिया है। अच्छे से पानी को कैटल में गरम कर लेंगे, क्योंकि कैटल ही साफ़ करना है तो अलग से तो गरम करेंगे नहीं। और ये अच्छे से गरम हो गया है तो इसका जो धुआं है ना, उससे हमारे जो किचन की ना स्मेल चली जाती है। फिलहाल इसका भी आगे आपके साथ वीडियो शेयर कर एक हैक शेयर करूँगी। और इसको एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया है, देखिए कितना गंदा पानी निकला है। पानी को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें लेमन भी है, विनेगर भी है, और इसमें थोड़ा सा डिशवॉश डाल देंगे, और इसमें जितने भी आपके डेली यूज़ वाले होते हैं ना ये गूंजे, उनको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, तो इससे सारी गंदगी उसकी भी निकल जाएगी। और क्लीन वाटर से क्लीन करेंगे तो देखिए कितने अच्छे से साइन कर गया है, हमारा कैटल बिल्कुल भी गंदा नहीं रहा। घर में चाहे मेड आती हो या घर के काम आप खुद करते हो, वहाँ पर आपके घर में अगर गर्मियाँ के टाइम है ना मक्खी वगैरह आती हैं, तो यहाँ पर आप बकेट में ना पानी की और विनेगर को डाल लीजिए, तो आपके घर में जितनी भी चींटी वगैरह आती हैं, मक्खियाँ आती हैं, वो बिल्कुल दूर रहेंगी। थोड़ा सा क्योंकि हार्ड होता है विनेगर का स्मेल, तो उससे मक्खियाँ, चींटी, कॉकरोच, मच्छर दूर भागेंगे, और इससे आप अपने पूरे फ्लोर को क्लीन कर लीजिए। देखिए किचन में आते हैं तो हमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्मेल आ रही है, चाहे किचन में हो या पूरे घर में हो। इसका एक है कपूर वाला, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और वो काफ़ी काम करता है। मैं तो हमेशा ही कपूर को पॉलीथिन में बांध के रख देती हूँ, किसी भी कागज़ वाले में, तो उससे पूरा घर हमारा अच्छा सा महकता रहता है। फिलहाल अगर वो आप नहीं करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पानी को गर्म, एक बाउल में पानी को गर्म करिए गैस पर या कहीं पर भी, और उसको अच्छे से खोल ले दीजिए। जब तक जैसे ही इसमें बॉयल आ जाता है तो आप इसमें विनेगर डाल दीजिए, बस और कुछ भी आपको इसमें नहीं डालना है। अच्छे से बॉयल आ जाएगा, जब उसकी भाप ऊपर आएगी तब मैं इसका यूज़ बताऊंगी। फ़िलहाल जब तक ये बॉयल हो रहा है तो मैंने ऐसे ही वेस्ट पड़ा था एक इस तरह का कंटेनर जो हमारे फूड के साथ आ जाता है, तो गैस जल ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी यहीं पर काम निपटा दिया जाए। तो इसमें मैंने किए होल, होल करने के लिए मैंने गैस पे ही पेचकस को रख दिया था, और इसके बाद इसको डाल देंगे एक ही बार गर्म करने में, अच्छे से इसमें सारे होल हो जाएंगे।
तो होल जैसे ही हो जाएंगे तो मैं इसको करने वाली हूँ ऐसी जगह पर यूज जहाँ पर मुझे इन होल की ज़रूरत थी। तो फिलहाल पानी बॉयल हो गया है तो उसका मैं यूज़ बताती हूँ आपको। इस हत्थे को उठाइए और इसमें से जितनी भी भाप निकल रही है ना उसको आप पूरे घर में ऐसे ही ले जाकर और इसकी भाप को दे दीजिए। इसमें घर की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, नेगेटिव एनर्जी है या स्मेल वगैरह है, वो सारी गायब हो जाएगी। आपके घर में बिल्कुल भी पॉजिटिव वाली फीलिंग्स आने लगेंगी। और जो आपका ये पानी बचा है भाई, आप सोचेंगे कि इसको फेंकना है तो फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इससे हम घर की काफ़ी सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। हमारी अगर सिंक में पीलापन पड़ गया है, कोई भी गंदी हो गई है, तो इसी पानी से आप इसमें को क्लीन कर सकते हैं। जितने भी दाग धब्बे हैं सिंक के वो साफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल ही सिंक वाइट निकल आएगी। इसके बाद जो मैंने होल्स किए थे उनको मैं सिंक एरिया में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करूँगी। तो मेरे पास इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें से पानी बिल्कुल निकल जाता है। तो इसमें मैं डायरेक्ट नहीं रखती हूँ क्योंकि डायरेक्ट गूंजे अगर रखेंगे तो वो जल्दी गंदा हो जाता है और मुझे बार बार क्लीन करना होता है। तो जितने भी छोटे छोटे ब्रश हैं ना, इसके लिए मैं एक छोटा सा कंटेनर रखती हूँ ताकि ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें। और इसमें होल किए थे इसमें सारे स्क्रबर अपने रख दूँगी ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है इससे निकल जाए और चीज़ें भी गंदी ना हो। तो इस वजह से अब मेरा सिंक ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा। अक्सर आपको ना ये वाली आवाज़ बड़ी इरिटेट करती होगी, जो गेट की आती है वो खोलने में और लगाने में छूछू वाली आवाज़। तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ पर WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके यूजेस मैंने आपके साथ काफ़ी शेयर किए हैं, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने में, चीज़ों को सही करने में ये यूज़ होता है। पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी थी तो फिर मैंने पूरा नहीं किया है, बट मेरा गेट ये काफ़ी आवाज़ कर रहा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा स्प्रे दिया और ये आवाज़ ना एक सेकंडों में चली गई। फिलहाल मैं मोबाइल से भी इसकी आवाज़ चली जाती है। तो अगर आपके पास WD-40 है ना तो इसका यूज़ करके आप इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए आप हमेशा ही इस तरह का माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करिए। इसको सिर्फ पानी में गीला करना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा स्प्रे की कॉलिन की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इसको पानी में गीला करिए और इसको अच्छे से निचोड़ दीजिए। आप कहीं की भी क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, चाहे वो किचन हो या फ्रिज हो, किचन का प्लेटफॉर्म हो, ड्रॉअर हो, कुछ भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जहाँ डस्टी एरिया होता है ना, डस्टी एरिया में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा गीला करना है और गीले कपड़े से सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछ देना है। जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा डस्ट होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, वो सारे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और सबसे मेन बात, बहुत ईजी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इसी एक क्लॉथ के साथ पूरी चीज़ों की डस्टिंग करती हूँ और बहुत अच्छे से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो जरूर लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।